हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की एक हिस्ट्री लेके चलते हैं कि सबसे पहले तो जो मिड ऑफ 20th सेंचुरी था, दैट इज़ अराउंड 1950 के आसपास, क्या था कि कंट्रीज जनरली अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज थी अपनी बाउंड्री के अंदर ही अंदर बनाती थी, अंदर ही सप्लाई करती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंट्री है, यहाँ पे गुड्स भी बन रहे हैं, सर्विसेज भी चल रही हैं, लेकिन ये सिर्फ अंदर अंदर हो रही हैं। ठीक है, जो भी अगर कुछ बाहर से इम्पोर्ट करवाया जाता था वो ऐसी चीज़ होती थी जिसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फूड ग्रेन्स प्रॉपर नहीं यहाँ पे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं तो वो बाहर से मंगवा लेते थे, ऑयल बाहर से मंगवा लेते थे, लेकिन मैक्सिमम गुड्स अंदर ही रहते थे, राइट? सो कन्फाइंड विद इन दी बाउंड्रीज। फिर उसके बाद क्या हुआ, MNCs आई, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज आई। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, जो देखो नाम में है, मल्टी मींस मोर देन टू, नेशनल मींस अ कंट्री, ठीक है, नेशन अ कंट्री, मल्टीनेशनल कंट्रीज जो अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस चलाती हैं। ठीक है, वो कंपनीज आ गई हमारे पास। तो इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई। ग्लोबलाइजेशन मतलब अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड होना, गुड्स का भी सर्विसेज का भी। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड था। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअल सेंस क्या है, वो ये है कि सपोज अगर मैं इंडिया में बैठी हूँ तो मेरा एक्सेस अमेरिकन चीज़ों के लिए भी हो। ठीक है, वहाँ के हम कॉर्नफ्लेक्स भी खाते हैं, हमारे पास KFC है, सबवे है, सब कुछ है, तो हम बाहर की चीज़ें हम भी खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स यहाँ पे भी है। दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन कि पूरी दुनिया की कहीं भी किसी भी कोने की चीज़ हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंट्री में आना किन्हीं बहुत ही कम चीज़ों का कंट्री में आना अलाउड नहीं होगा, बट मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो ये है ग्लोबलाइजेशन। फाइन, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो MNCs हैं, ये किसी कंट्री में जाके अपने प्रोडक्शन यूनिट्स जब लगाती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी फॉरेन कंपनी ले लो, सपोज अ कंपनी एक्स कम्स टू इंडिया और उसने कुछ प्रोड्यूस करना, सपोज कॉटन क्लोथ्स ही प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो क्यों, यहाँ पे कॉटन रॉ मटेरियल उसको मिल रहा है, तो वह यहाँ पे आके अपना प्रोडक्शन यूनिट लगा लिए। प्रोडक्शन यूनिट मतलब अ फैक्ट्री और अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऑल राइट? तो उसके लिए तीन फैक्टर्स वो कंपनी क्या क्या देखेगी। सबसे पहले तो उसको चीप लेबर मिले, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग कम से कम पैसे में मान जाएं। ठीक है, वो चीप लेबर हमें चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, मार्केट। अगर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ तो आसपास उसके मार्केट भी तो होनी चाहिए, और जितनी पास मार्केट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम लगेगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, वो मैटर करता है, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे रिसोर्सेज। अगर कॉटन क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट लगा रही हूँ तो मैं देखूंगी कि हमें कॉटन ज़्यादा मिल रही है यहाँ से या नहीं मिल रही। अगर ज़्यादा कॉटन उस एरिया में मिल रही है और तीनों फैक्टर्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं तो मैं प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पे लगा लूँगी। यू गॉट इट? नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब कोई कंपनी किसी भी कंट्री में जाके, या सपोज अपनी कंट्री में ले लो, सपोज मैं हूँ, मैंने मशीनरी ले ली, लैंड ले ली और मैंने वो पैसा सारा एक फैक्ट्री खड़ी करने में लगा दिया, अभी उसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो काम आएंगे, आपको समझिए इसको। ये आ गई इन्वेस्टमेंट, कुछ मैंने पैसा लगा दिया, कैपिटल लगा दिया अपनी फैक्ट्री को इंस्टॉल करने में। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, इफ़ दे आस्क यू इन एग्जाम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सिंपली जो मैंने आपको बताया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो होता है व्हेन द सेम थिंग इज डन बाय अ फॉरेन कंपनी और एन इंडिविजुअल, और इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब बाहर की कंपनी आके हमारे यहाँ पे कुछ प्लांट्स या कुछ ऐसे यूनिट्स लगाएगी। नेक्स्ट
और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है? एक तो ये इन्वेस्टमेंट, थर्ड टाइप की इन्वेस्टमेंट ये होती है जब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स मिलके किसके साथ, लोकल कंपनी के साथ मिलके अपने प्रोडक्शन यूनिट्स लगाते हैं, ठीक है। ये थर्ड टाइप की हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट। और इससे क्या बेनिफिट है, सपोज बेनिफिट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या है इससे? इससे ये है कि इनको क्या मिलेगा, चीप लेबर मिल जाएगी, ठीक है। इनके लिए जो फैक्ट्री को इंस्टॉल करने का जो खर्चा होगा वो कम आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इनके पास कॉस्ट कटिंग हो रही है, ठीक है। और बेनिफिट्स टू लोकल इन्वेस्टर क्या होगा, लोकल कंपनी के लिए क्या होगा, इसके पास नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। तो और क्या होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को काम आएगा क्या है, अपने लोकल कॉम्पिटिशन को खत्म करना है। सपोज मैं कोई बाहर की कंपनी हूँ, यहाँ इंडिया में आके मैं अपना प्लांट लगा रही हूँ, लेकिन लोग क्या पसंद कर रहे हैं, इंडियन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उनसे हाथ मिला लूँगी, आप दोस्ती करते हैं, चलो इकट्ठे काम करते हैं, तो क्या क्या करेंगे, लोग खरीद लेंगे मेरे प्रोडक्ट्स, खरीदेंगे राइट, तो मुझे भी लाइक करेंगे अल्टीमेटली। तो क्या हो रहा है, अपने लोकल कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है कि MNCs एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ये भी सेम चीज़ है राइट। MNCs भी कोलैबोरेट कर लेती हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ, वो भी इसी रीजन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये फॉरेन ट्रेड की तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो पता ही होगा आपको, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉरेन ट्रेड वही है, क्या है, जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, चाहे वो कुछ भी है, ऑयल है, ग्रेन्स है, एनीथिंग, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि सपोज मेरी कंपनी है, उसका सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, USA में, हर जगह मेरे ग्रेन्स पहुंचते हैं, मेरा प्रोडक्ट पहुंचता है, तो मेरे पास ज़्यादा हो गए कंज्यूमर्स, ज़्यादा मार्केट हो गई मेरे पास, तो मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगी, ठीक है। ये हो गया लार्जर मार्केट, और डेफिनेटली क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा राइट। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, एक बार फिर पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं इंडिया में, ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, ठीक है। सेकंड आ गया हमारा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा तो क्या है, इंटरकनेक्टिंग ऑफ मार्केट्स भी होगा। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में होने ही चाहिए, अगर ये आपने इसमें से कोई एक मिस कर दिया तो आपके मार्क्स भी गए, ठीक है। तो ये एक क्रक्स है मेन ग्लोबलाइजेशन का, समझ में आई बात। फिर और देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की तो हमने बात की, अब उसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली जो कंट्रीज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, उनके पास क्या होगा, अच्छी फैक्ट्रीज भी होंगी, ज़्यादा आउटपुट भी होगी, ठीक है। तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए अच्छी, ताकि ज़्यादा गुड्स हमारे बाहर जा सकें, हम अंदर ला सकें, अपने इम्पोर्ट्स कर सकें, एक्सपोर्ट्स कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बाहर की कंट्रीज से अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा, अच्छे से ट्रेड ही नहीं होगा राइट। नेक्स्ट क्या है, लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, लिबरल होना मीन्स इतने स्ट्रिक्ट ना होना, जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, इंडिया ने अपने जो इंडिजीनियस जो इंडस्ट्रीज थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स इतने ज़्यादा हाई कर दिए। इसका मतलब क्या था कि बाहर की जो गुड्स हैं वो इंडिया में नहीं आ पाई, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कंट्री अपने आप में ही एक कंपार्टमेंटलाइज हो जाती है, खुद ही ट्रेड अंदर ही कर रही है, अंदर की इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो क्या है, बाहर से कोई कॉम्पिटिशन नहीं आ रहा, इंडस्ट्रीज जिस स्पेस पर चल रही है उसी पर चलेंगी, नो ग्रोथ राइट। फिर क्या हुआ, लिबरलाइजेशन कर दिया। लिबरलाइजेशन मतलब लेस ट्रेड बैरियर्स, इम्पोर्ट अगर हम कर रहे हैं चीज़ें तो उन पर टैक्स कम लगाना, ठीक है, ये हो गए लेस ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। फिर इंडिया में बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको स्टोरी अभी बताई, क्या था, 1947 में हम क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए, फिर लॉट्स ऑफ बैरियर्स टू प्रोटेक्ट ओन इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन जो मैंने अभी आपको बताया वो, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे क्या हुआ कि बाहर की कंट्रीज़ को हमारी कंट्री में आना अलाउड हुआ, बाहर के प्रोडक्ट्स को आना अलाउड हुआ राइट, और पूरे ग्लोब के साथ, पूरी बाहर की कंट्रीज़ के साथ हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया धीरे धीरे राइट। सो ये 1991 में हुआ था।
अगर आपको वो EMCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ब्लैंक्स में किसी में पूछ लेते हैं कि कब हुआ था LPG, 1991 में, ऑल राइट। नेक्स्ट, WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? सपोज आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है, ठीक है, वो देखता है कि कौन बातें कर रहा है, अगर किसी के बीच में लड़ाई हो गई है तो क्या करना है, और सबसे ज़्यादा क्या है, टीचर का रोल होता है, ठीक है। तो वो एक टीचर को, आप चलो टीचर को ही आप इमेजिन कर लो, कोई डिस्प्यूट होता है क्लास में तो वो टीचर ही हैंडल करता है, हर कुछ देखता है, सब सब चीज़ें देखता है, सीटिंग अरेंजमेंट देखता है, राइट। तो वही काम टीचर का WTO कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को ये हैंडल कर रहा है। और कितनी कंट्रीज है इसमें? 153 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ WTO, ठीक है। तो ये है ऑल इन ऑल, और ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, पहले तो ऑल ओवर देखा हमने, अब हम इंडिया का देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने लगी हमारे इंडिया में, ठीक है, बाहर के लोग ज़्यादा आने लगे, बाहर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने लगी, कंपनीज आने लगी, तो क्या है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके लिए हमने अभी रिसर्च भी नहीं किया था, वो ऑलरेडी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, सो इज़न दैट गुड, राइट। फिर क्या हुआ, इंडियन कंपनीज जो थी पहले छोटी थी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ गई, अब वो खुद MNCs बन गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई हैं, ठीक है, थीके? और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। अब क्या है, बाहर से ज़्यादा फैक्ट्रीज लग रही हैं, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, तो जॉब्स भी तो ज़्यादा होंगी, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जॉब्स जनरली सर्विस सेक्टर या जनरली हाईली स्किल्ड के लिए होती हैं, जो अनस्किल्ड हैं या जो इतना ज़्यादा हाईली स्किल्ड नहीं है उनके लिए तो जॉब अभी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, वी नो दैट, ठीक है। और ये लोग जो लेते हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो अच्छे अच्छी यूनिवर्सिटीज से निकले हैं या उनको रिक्रूट करते हैं, जनरली वो चीज़ होती है, वो अलग बात है, चलो। बट देन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तरह के डिसएडवांटेज में आ जाता है, लॉस टू स्मॉल प्रोड्यूसर, दिस इज़ अ डिसएडवांटेज। क्यों? बाहर की अगर अच्छे कॉर्नफ्लेक्स आ गए, टेस्टी वाले या कुछ हाई क्वालिटी वाले आ गए, महंगे वाले, ठीक है, तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, अगर वो भी कॉर्नफ्लेक्स ऐसे ही बना रहे हैं तो उनके सफ़र करेंगे ना प्रोडक्ट्स, स्मॉल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो करेंगे सफ़र, ठीक है। तो ये है, फिर देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अगर हो रही है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो हम उसको फेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको एक तरह तरीके का सबके लिए अच्छा बना सकते हैं, कैसे? लेबर लॉज बनाओ, अगर किसी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए लॉज बनाइए आप। लॉज कैसे होने चाहिए कि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो, आपको 10 घंटे के अकॉर्डिंगली ही आपको वेजेस मिलने चाहिए, आपको ओवर टाइम नहीं करवा सकते, अगर करवा रहे हैं तो आपको उसका अलाउंस भी मिलना चाहिए, पैसे भी मिलने चाहिए आपको उसके, वो आ गए हमारे लेबर लॉज, ठीक है। आपको कम ऑक्सीजन वाली जगह पे कम घंटे काम करना है, बच्चों को नहीं, जैसे बैंगल इंडस्ट्री में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, राइट। सो ऐसा है। फिर क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है सफ़र करते हैं कंपटीशन की वजह से, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दो, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिल जाने चाहिए ताकि वो और इन्वेस्टमेंट कर सकें और बढ़ सकें, ठीक है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। फिर क्या है कि नेगोशिएट करना चाहिए WTO के साथ कि हम थोड़ी सी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं या नहीं, ताकि हम अपनी इंडिजिनियस जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, राइट। वो थोड़ा सा नेगोशिएट हमें करना चाहिए WTO के साथ, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, यू गॉट टू नो अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, यू गॉट टू नो अबाउट द फॉरेन ट्रेड, राइट, एंड क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को या फॉरेन ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।